हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आदित्य और आप देख रहे हैं जर्मन क्लास। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जर्मन क्लास। टुडे वी आर लर्निंग क्लास 7, चैप्टर 3, लेसन 1, वास इज टू इंडिया पाउजल, व्हाट डू यू ईट इन द ब्रेक। दिस इज द चैप्टर वी आर लर्निंग टुडे, क्लास 7, हेलो डॉयच बुक। क्लास 7 का चैप्टर 3 है, चैप्टर 1, मॉड्यूल 3, वास इज टू इंडिया पाउजल। Essen und Trinken. In this chapter, we learn Essen und Trinken, eating and drinking. As you can see here, the articles with the different eatables, das Mineralwasser, der Wein, das Bier, der Kaffee, der Milch, der Tee, das Brot, die Nudel, der Reis, die Wurst, das Geflügel, das Fleisch, der Fisch. So these are all different eatables. अलग अलग eatables हैं और drinkings हैं, drinks जो आप पी सकते हैं, eatables जो आप खा सकते हैं। इनसे sentence कैसे बनाना है ये हम देखेंगे इस chapter में। How to make sentences using these things in German. So we see further. We have normally three articles. Der, die, das. Normally तीन articles होते हैं, der, die और das. Indefinite articles einen, die eine और das ein. जब हम sentence बनाएंगे तो accusative form में sentence बनेगा, verb essen और trinken को use करेंगे. When we use the verb essen und trinken, the sentence is accusative. And these are the some objects or some eatables you can say here, like affel means apple, article hai der. Jab hum sentence banayenge to hum use karenge einen means a, I eat an apple, okay, I eat a sausage, I eat a bread. Bread das hota hai article, indefinite article ein. Sentence banayenge to ein use karenge, jiska article d hai आईने यूज करेंगे और आर्टिकल डेयर है आइनन यूज करेंगे। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी वेरी क्लियरली। सो ये वर्ब्स हैं तीन जो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, ट्रिंकन, एसन, नेमन। वी यूज दीज थ्री वर्ब्स टू मेक सेंटेंसेस इन दिस चैप्टर and the sentence is accusative because these verbs functions here as a accusative verb. Sentence making Satz bilden. Agar article der hai, suppose affel, apple ka article der hai, sentence banega ich esse einen Apfel. Ich esse einen Apfel. तो रेड कलर से हाईलाइट किया है डिफरेंट वर्ब्स, ट्रिंक, नेम, आर्टिकल डी है, इस ट्रिंके आईने डोजे कोला, तो डी है इसीलिए आईने डोजे कोला। सिमिलरली डेयर है आइनन अपफल, और दास अगर आर्टिकल है तो आइन ब्रोट। So you can use any of these verbs which is suitable to the particular object. Ich esse einen Apfel, I eat an apple, main ek apple khata hu. Ich trinke eine Dose Cola, I drink a can of cola, can of cola main peeta hu. Ich nehme ein Brot, I take a bread, main ek bread leta hu. So teen verbs ko use kiya hai humne डिफरेंट आर्टिकल्स के साथ। तीनों डिफरेंट वर्ब्स हैं, तीनों ही अकुजेटिव फॉर्म में यूज हुई हैं, एसन,
to eat, trinken, to drink, nehmen, to take. कॉन्जुगेशन है नेमन वर्ब का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको लर्न करना है. इश्ट नेम डू नेम्स्ट, स्पेलिंग चेंज होती है. एर सी एस नेम्ड, वी आर नेमन, ई आर नेम्ड और जी नेमन. जब आप सेंटेंस बनाएंगे वर्ब नेमन से तो आप इस तरह से कॉन्जुगेशन को यूज कर सकते हैं सेंटेंस में. When you use the verb nehmen, you can use these conjugations as per the sentence. Conjugation of essen to eat and trinken to drink. I eat, ish esse, you eat, do ist. Spelling change hai I double st. Because this is irregular verb. Irregular verb mein spellings change ho jati hai. कॉन्जुगेशंस के अकॉर्डिंग एर्जी इस्ट, तो आप देख रहे हैं डू और एर्जी फॉर्म एसन के कॉन्जुगेशन में सेम रहती हैं स्पेलिंग्स. वी आर एसन, जी एसन एंड देन जी एसन. ट्रिंकन कॉन्जुगेशन इस ट्रिंके, डू ट्रिंक्स्ट, एर्जी ट्रिंक्ड, वी आर ट्रिंकन एंड जी ट्रिंकन. दिस इज रेगुलर वर्ब, स्पेलिंग में ज्यादा चेंजेस नहीं है. दिस इज रेगुलर वर्ब, ट्रिंकन मीन्स टू ड्रिंक. सेंटेंस बनाने के लिए आपको वर्ब कॉन्जुगेशंस को आना बहुत जरूरी है. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द प्रॉपर वर्ब कॉन्जुगेशंस इन ऑर्डर टू फ्रेम करेक्ट सेंटेंस. नाउ वी सी हाउ टू मेक नेगेटिव सेंटेंस नेगेशन. नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं? अगर किसी का आर्टिकल आइन है इनडेफिनेट तो आप काइन लिखोगे, आइने हैं तो काइने और आइनन है काइनन. जस्ट आपको एक्स्ट्रा के ऐड करना है स्टार्टिंग में और नेगेटिव सेंटेंस आप बना सकते हो. एग्जाम्पल इस ड्रिंक के काइने मिल्च, आई डोंट ड्रिंक मिल्च, मैं मिल्क नहीं पीता. काइने यहां पे नेगेटिव सेंटेंस है. काइने बिकॉज मिल्क का आर्टिकल डी है इसीलिए हमने काइने यूज किया है. अगर दास होगा तो काइन. सिमिलरली इश ऐसे काइन ब्रोट, आई डोंट ईट ब्रेड, मैं ब्रेड नहीं खाता. नेगेटिव सेंटेंस है, काइन का यूज किया है हमने. इश ऐसे काइन ब्रोट. नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए काइन और निस्ट दोनों का यूज होता है बट नाउन से पहले हम काइन यूज करते हैं. सो वी यूज नाइन और निस्ट और काइन टू मेक नेगेटिव सेंटेंस. समटाइम्स निस्ट समटाइम्स काइन डिपेंड अपॉन द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट. हियर वी हैव यूज्ड काइन टू मेक अ सेंटेंस नेगेटिव. डेयर होगा आर्टिकल तो काइनन यूज करना है. तो इनडेफिनेट आर्टिकल आपको अगर याद है तो आप जस्ट के ऐड कर सकते हैं आगे और सेंटेंस नेगेटिव बन जाएगा. इट इज वेरी वेरी इजी. सो दैट्स इट फॉर ऑल. दस आलस फॉर हाइट. कीप वॉचिंग द वीडियो. आई होप यू लाइक द वीडियो. सो सी यू नेक्स्ट टाइम with a new video on the new topic. Till then, bye bye. Cheers.